हेलो फ्रेंड्स, इसके रसोई की नई वीडियो में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई रोटियों का ऐसा रेसिपी जिससे आपकी रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी ख़राब और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और ये रोटी हमने चार रोटी लिया है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने कांटी वाली चम्मच ले लिया है और दो रोटी को हमने साइड कर लिया है। अब इसमें हम अच्छी तरह से छेद कर लेंगे। तो ये हमने दो रोटी में छेद कर लिया है, उसके बाद हमने उसे हटा दिया और दूसरी वाली दो रोटी हमने साइड किया था ना, उस रोटी को ले लिया और इसमें भी हमने छेद कर लिया। उसके बाद हमने चारों रोटी को एक साथ रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो रोटी को हम चार भाग में कट करेंगे। तो रोटी को हमने कट कर लिया है। अब थाली को घुमा देंगे और इसकी कटिंग हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सभी रोटी को कट करेंगे ट्रायंगल शेप में। तो ये हमने सभी रोटी को कट कर लिया है, उसे हमने साइड कर दिया। उसके बाद हमने गैस को ऑन किया और कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई में हमने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और इसे हम गर्म होने के बाद रोटी को डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। ज़्यादा देर तक इसे हमें नहीं छोड़ना है, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे और गोल्डन होने तक इसे हम तलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। तो ये इसका कलर गोल्डन हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही करके रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने रोटी को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हम डाल देंगे इसमें आधी चम्मच, छोटी वाली चम्मच से हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच हम डाल देंगे इसमें काला नमक। आप सादा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रोटी का बिल्कुल ही नया रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बना है। इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह